प्रतिमा चौहान, प्रधान ग्राम पंचायत दस्ता। हम आज सब लोग जो है वो एसडीएम साहब से पूरे पंचायतवासी मिलने आए हुए हैं। हमारी समस्या हमारे रोड को लेकर है, जो पिछले 6-7 महीने से हमारा काम चला हुआ है। पीडब्ल्यूडी व विभाग वाले इस काम को कर रहे हैं और बरसात की वजह से वहाँ पर डंगा गिर गया है, जिसकी वजह से बड़े वाहनों की आवाजाही बंद हो गई है और जिसकी वजह से बच्चों को, खासकर स्कूली बच्चों की बसें भी 2-3 किलोमीटर पीछे लगती है और छोटे छोटे बच्चों को भारी मतलब मुसीबतों का सामना ही करना पड़ रहा है। और जैसे छोटे व्हीकल तो जाते हैं लेकिन बड़े व्हीकलों की आवाजाही बिल्कुल बंद है, जिसकी वजह से रेवेन्यू इन्होंने पीडब्ल्यूडी वाले विभाग वाले ने बोला कि ये जमीन हमारी नहीं है, जहाँ डिस्प्यूट पॉइंट है ये रेवेन्यू वालों की है। तो इसलिए हम पंचायतवासी एसडीएम साहब के पास अपनी समस्या लेकर आए हैं कि उस समस्या का हल निकालेंगे। आज लंजदा पंचायत के कुछ ग्रामीण मेरे से मिले और कुछ एक इश्यूज बता रहे थे कि जो लंजदा गांव को सड़क जाती है वो कुछ एक लोगों ने बाधित कर रखी है। तो इसमें मैंने संज्ञान लेते हुए जो एंटी भराड़ी हैं उनको निर्देश दिए हैं कि भी एक हफ्ते के अंदर अंदर उस सड़क की जो है प्रॉपर डिमार्केशन करवा दी जाए और सड़क को जो है वो सुचारू रूप से चलाया जाए। इसमें अगर पुलिस की सहायता की आवश्यकता होगी तो वो भी ली जाएगी और विद इन वीक जो है वो सड़क को सुचारू रूप से चला दिया जाएगा। सिटी चैनल के लिए बिलासपुर से सुभाष की रिपोर्ट।